नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट पुचार्स। आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ओपन है डिस्मोन कार्बोजन लिमिटेड का। टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली, जैसे कि स्टॉक का प्राइस यहां पे टॉप ट्रेड किया था ईयर 2018 में। उसके बाद देखिए स्टॉक का प्राइस जब भी इस रेल लाइन को टेस्ट कर रहा था, प्राइस को वहाँ पे मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला है। इसका मीनिंग ये कि स्टॉक का प्राइस के लिए जो रेल लाइन यहाँ पे जा रहा था ना, ये था मल्टीयर का रेजिस्टेंस। जब तक स्टॉक का प्राइस इस रेल लाइन को ब्रेकआउट नहीं कर रहा था, तब तक स्टॉक का प्राइस देखिए यहाँ पे कि डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा था। और जैसे ही स्टॉक का प्राइस यहाँ पे उसका मल्टीयर का रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, इसका मीनिंग है कि प्राइस जो यहाँ पे कि डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, प्राइस उसको रिजेक्ट कर चुका है और यहाँ पे एक नया अप ट्रेंड एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। और एक्चुअली देखिए प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रिटेस्ट किया आज पर, तो प्राइस एक्शन अगर प्राइस किसी भी रेजिस्टेंस को मल्टीपल टाइम टेस्ट कर रहा होगा, अगर उसी रेजिस्टेंस को प्राइस ब्रेकआउट कर लेता है, जैसे कि रेड लाइन था मेजर रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट करने के बाद अगर प्राइस पुल बैक करेगा, वही मेजर रेजिस्टेंस लाइन अभी के लिए एक्ट एज ए मेजर सपोर्ट। और एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे कि मेजर मल्टीयर का सपोर्ट के आसपास जो कि रेल लाइन है, प्राइस यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है कि हायर हाई फॉर्मेशन। और जिस टाइप का प्राइस यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, लुक्स लाइक आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस इस हाई को टेस्ट कर सकता है जो कि लेवल बन रहा है नियरली 280। प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस पहले टेस्ट करेगा 280। उसी केस में जो प्राइस यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट किया है, उसका प्रीवियस लो यहां पे बनेगा स्टॉप लॉस जो कि लेवल बन रहा है बिलो 155। जब तक स्टॉक का प्राइस यहाँ पे नीचे की तरफ 155 लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करता है, तब तक ये चार्ट सेटअप बुलिश रहेगा। आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस टेस्ट करेगा 280 को, एंड 280 को ब्रेकआउट करने के बाद जो सेकंड टारगेट यहाँ पे बनेगा नियरली 370 जो कि है लाइफ हाई। तो स्टॉक का प्राइस को आपका रडार में रखिएगा, प्रोबेबिलिटी हाई है कि जिस टाइप का प्राइस यहाँ पे मल्टीयर का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है और रिटेस्ट के बाद हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट किया है, एंड जिस टाइप का प्राइस ऑलरेडी देखिए कि बुलिश ट्रेंड एस्टैब्लिश कर चुका है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। उसी हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड एंड क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा और खुद का एनालिसिस को ऐड कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आप डेटा एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।